छत्तीसगढ़ में किसानों को फसल प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि बाढ़ या सूखाग्रस्त होने पर फसल खराब हो जाने पर कैसे सरकार द्वारा मौजूद रूप में सहायता राशि मिलती है, इस संबंध में जांगी तहसीलदार ने बताया है। जानिए क्या दी है जानकारी। बेसिकली किसानों को हम मुआवजा राशि नहीं है, आरबीसी क्षेत्र के तहत सहायता राशि प्रदान करते हैं। इसमें अगर किसी किसान का किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हुआ या सूखा पड़ने से अगर कोई फसल की क्षति होती है तो उसका निरीक्षण किया जाता है हल्का पटवारी के द्वारा। अगर 33% से ऊपर की क्षति पाई जाती है तो उसको आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो कि प्रति हेक्टेयर की दर से अगर सिंचित है तो 13,500 और असिंचित है तो 6,800 की दर से प्रदान की जाती है। इसके लिए किसान चाहे तो हल्का पटवारी के पास जाके अपना मौखिक सूचना दे सकता है या हमारे पास तहसील में भी आके आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। और अगर हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पर कहीं बाढ़ आती है तो हम उसके लिए विशेष अभियान चलाकर हल्का पटवारी सही हल्का पटवारी को निर्देशित करके हम सर्वे खुद करवा कर भी मुआवजा राशि प्रदान करते हैं। समय सीमा जैसे ही अगर वो होता है तो कोशिश करना चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर ही आवेदन प्रस्तुत कर दे ताकि वहां पर जाकर सर्वे का कार्य किया जा सके, क्योंकि अगर फसल रहती है फसल अगर कट जाती है तो उस कंडीशन में हमें सर्वे का कार्य करने में कठिनाई होगी।